नमस्कार, मैं हूं नवजोत और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगर आपकी जिंदगी में है धन का अभाव, नौकरी में तरक्की के रुके हैं द्वार या फिर कारोबार चल रहा है मंदा, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अगले एक महीने में ग्रहों का बन रहा है कुछ ऐसा योग जो बना सकता है आपको करोड़पति। बस करना होगा एक मंत्र का जप और पूरी श्रद्धा भक्ति से करनी होगी मां लक्ष्मी की आराधना। तो कैसे पाए इस योग का लाभ, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले देखते हैं ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। कई साल बाद बन रहा है धन का सबसे बड़ा योग। बुध करेगा सूर्य की राशि में प्रवेश। सुमन सवंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी ये ममय। बुधादित्य संग बनेगा पंच महापुरुष रोचक योग। मंजुल भाषिणी धनुते करोड़पति बनाएगा ग्रहों का अद्भुत मेल। साल बाद हो रहा है ग्रहों का ऐसा अद्भुत मेल जो आपको बना सकता है करोड़पति। मां लक्ष्मी का मिल सकता है वरदान, क्योंकि दो प्रमुख राशियों का एक घर में हो रहा है मिलन। ये मिलन बना रहा है ऐसा योग जो अद्भुत है, धन बरसाने वाला है। ज्योतिष की माने तो 29 अगस्त को यानी बुधवार को बुध कर रहा है सिंह राशि में प्रवेश। जहाँ पहले से ही मौजूद सूर्य बना रहा है उत्तम संयोग, उस पर बुध का अपने मित्र सूर्य के घर प्रवेश करना बना रहा है धन का प्रबल योग यानी बुधादित्य योग। यही नहीं, बुधवार बुध ग्रह का दिन है और इसे लक्ष्मी का दिन भी कहा जाता है। अगर इस दिन बुधादित्य योग पड़ता है तो वो दोगुना फलदायी और शुभ होता है। ये योग इसलिए भी अत्यधिक शुभ फल देने वाला होगा क्योंकि सुबह 5:12 पर ब्रह्म बेला में सिंह लग्न भी लग रहा है जो सूर्य का अपना लग्न है। ये योग 13 सितंबर को और प्रबल होने वाला है जब बुध अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेगा। ज्योतिष की माने तो जब 5 ग्रह मंगल बुध शुक्र शनि और गुरु इनमें से कोई भी अपनी उच्च राशि में हो तो पंच महापुरुष योग बनता है। उस पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो ये पंच महापुरुष योग करोड़पति बना देता है। ग्रहों का कुछ ऐसा ही खेल बुधवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलने वाला है। यानी आपके पास है मौका बेहद खास जब आप चमका सकते हैं अपनी किस्मत, धन संपत्ति का लगा सकते हैं अंबार, उबार सकते हैं डूबे हुए कारोबार को। बस करना होगा एक मंत्र का जाप और जानना होगा पूजा का खास विधि विधान। तो कैसे आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, इस सब बताने के लिए सुरेश कौशल जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कैसे बुध आपको करोड़पति बनाएगा, जानते हैं। सबसे पहले आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई, पैसे के मामलों से जुड़ी हुई बात करते हैं। आर्थिक व्यवस्था का ग्रह बृहस्पति है, जबकि नगद नारायण यानी कैश फ्लो का जो ग्रह बुध है, इसलिए नगद धन, बैंक में जमा धन, उसके ऊपर ब्याज, संचित राशि, आपकी सोना चांदी इत्यादि, इनकी कीमतों में बढ़ोतरी, ये सब जो है बुधादित्य योग के समय देखने में आपको मिलेगा। आपके बीमा वो मैच्योर्ड हो सकते हैं या बीमा इस समय जो कराए जाते हैं अच्छा फल देते हैं। भविष्य निधि के लिए, पीपीएफ के लिए, चिट फंड से लाभ उठाने के लिए पैतृक लाभ हेतु ये योग अत्यधिक उत्तम रहेगा। यानी भी जहां पे भी ब्याज, नगद पैसा, कैश, रुका हुआ पैसा, पैतृक संपत्ति, जहां से भी एकदम से पैसा हाथ में आएगा तो इसलिए अत्यधिक शुभ है। 1 और 2 सितंबर को त्रिपुष्कर योग जो वर्ष में लगभग 1 या 2 बार बनता है सिर्फ, वो भी पड़ रहा है। इस समय इसी योग के दिन एफडी, बीमा, नगद धन का व्यवसाय आरंभ करने पर आने वाले समय में इस धन की 3 गुना बढ़ोतरी होने का योग बनता है त्रिपुष्कर योग, इसलिए इसको कहा गया है। आईटी का, कपड़ा, व्यापार, बीमा, म्यूचुअल फंड, चांदी, प्लास्टिक के शेयर्स यानी शेयर मार्केट में भी तेज धन लाभ के योग बन रहे हैं। आप देखेंगे दुनिया में और पूरे विश्व में और भारत के शेयर मार्केट तेजी से बढ़ेगी। अनाज और रुई के कारोबार में विशेष करके जो सट्टा इत्यादि लोग आते हैं उनके लिए योग बन रहे हैं धन प्राप्ति के। जिन जातकों को सारे सती ढैया इत्यादि ना चल रही हो और जिनकी कुंडलियों में बुध, सूर्य तथा बृहस्पति तीनों ग्रह धन से जुड़े हों, इनके स्वामी हो, प्रबल हो और दशा भी चल रही हो तो लाभ बहुत अधिक तेजी से बढ़ेगा, यादगार समय रहता है ये।
बिल्कुल इसके अलावा उपाय के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? उपाय में यदि इन क्षेत्रों से आप जुड़े तो पन्ना या पीला पुखराज अथवा दोनों ही धारण करें। बड़े व्यवसाय के लिए जा रहे तो बड़ा धारण करें, एक मंत्र है लक्ष्मी का, उसका जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मय नमः, इस मंत्र का जाप करें। एक बार फिर पढ़ देते हैं, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मय नमः, लक्ष्मी महामंत्र है, इसका जाप करें। हो सके तो कमल गट्टे की माला या रुद्राक्ष, दोनों में से किसी माला का जाप, तीन माला जाप रोज करें। शुभ पक्ष के बुधवार या लक्ष्मी शुक्ल पक्ष के बुधवार को, किसी बुधवार को पहली तारीख अक्टूबर तक लक्ष्मी या गणेश को वस्त्र चढ़ाएं, रेशम के हरे तथा सफेद वस्त्र चढ़ाएं। चांदी या सफेद धातु के आभूषण सवेरे 12 से पौने 1 बजे के बीच में अभिजीत मुहूर्त के समय ये चढ़ाएं अथवा ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाएं। पूरे समय मांसाहार और मदिरा पान से बचे, क्योंकि सभी ग्रह अत्यधिक उत्तम है, लाभ कम हो जाएगा। बिल्कुल, व्यापार से जुड़े जो लोग हैं या व्यापारिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए कैसा है समय और क्या उपाय वो कर सकते हैं? बुध ग्रह जो है मध्यम श्रेणी के छोटे व्यापार से डील करता है, इस व्यापार के लिए अथवा नया व्यापार आरंभ करने के लिए, कौन से व्यापार, जैसे महीन कारीगरी होती है, कढ़ाई होती है, सिलाई होती है, चांदी होती है, घड़ी के कारीगर होते हैं, घड़ी का व्यापार होता है, कंप्यूटर्स में ग्राफिक्स का सेक्शन जो है, फैशन से जुड़ी वस्तुएं, फैशन डिजाइनर्स, वस्तुओं बच्चों की पढ़ाई लिखाई की पुस्तकें, खिलौने, उनकी यूनिफॉर्म, चश्मे, हरे रंग के क्रिस्टल्स इत्यादि, सभी का व्यापार आरंभ करने के लिए अत्यधिक उत्तम समय रहेगा, तेजी से व्यापार बढ़ेगा। नए व्यापार के लिए विशेष करके 1 सितंबर से शाम 7:15 के बीच से लेकर 2 सितंबर को सुबह 6:11 तक वर्ष का सर्वोत्तम त्रिपुष्कर मुहूर्त है, इसमें आरंभ कर सकते हैं। व्यापार तथा धन लाभ की थोड़े समय में 3 गुना वृद्धि का योग बनता है यदि आप इस बताए गए समय में इसको आरंभ करते हैं। व्यापार आरंभ करने से पहले लक्ष्मी गणेश का पूजन करना ना भूलें और विद्वान ब्राह्मण से अथवा स्वयं नवग्रह पूजन, षोडश पूजन, षोडशोपचार पूजन करें तथा ओम ऐं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी देवभ्य नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी देवभ्य नमः, इस मंत्र की लक्ष्मी मंत्र है, धन का मंत्र है। ऐं दुर्गा है, ह्रीं जो है श्री लक्ष्मी है और ह्रीं जो है काली है, शक्ति है, ऐं सरस्वती है, सॉरी, इनका मंत्र का जाप करें, तीन वाला का जाप करें, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। दीपावली तक लगातार करते रहें। श्री यंत्र तथा दक्षिण वृत्ति शंख दोनों ही भक्ति लक्ष्मी के जो निशान है, उनके चिन्ह है, इनकी ईशान कोण में अपने कार्य घर के मंदिर या कार्यस्थल के मंदिर में स्थापना करें। हर बुधवार को कंजक पूजन 1 या 3 कन्याओं का करना और अच्छा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल, इसके अलावा नौकरी या फिर राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नौकरी राजनीति में प्रशासनिक सेवा या IAS, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, विशेष करके IT का क्षेत्र है, शिल्प का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में तथा सत्ता की राजनीति में उत्तम, विशेष करके 13 तारीख तक जब सूर्य सिंह राशि में होंगे सत्ता के राज्य में उत्तम समय रहेगा, विशेषकर 13 तारीख तक अत्यधिक उत्तम समय रहेगा। खाद्य विभाग, तकनीकी विभाग, वित्त तथा मानव संसाधन और HRD जिसको कहते हैं, शिक्षा का जो आपका विभाग है, आर्थिक सलाहकार, इन सभी क्षेत्रों में मंत्रालयों उद्योगों में उच्च पद की प्राप्ति के योग बनते हैं या इसमें से आपको राजनीति में उच्चतम पद की प्राप्ति होती है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है इन सभी क्षेत्रों में, इसलिए राजनीति और इसमें बहुत अधिक शुभ रहेगा 13 तारीख से। विशेषकर कामयाबी को बनाए रखने के लिए यानी कि मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करें अथवा 351 पाठ किसी विद्वान ब्राह्मण से करा लें। अपने आप चाहे अच्छा रहेगा यदि रोज 3 बार आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्रों का पाठ 3 बार खुद करें। ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो सूर्य नमस्कार योग करें, अत्यधिक शुभ रहेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः, इसकी 3 माला का जाप रोज करें। हर रविवार गेहूं, साबुत मूंग, इन दोनों का दान करते रहें बुध आदित्य योग के दिन, पूरे जीवन करेंगे तो और अच्छा रहेगा, इन दिनों में करेंगे तो और अच्छा है। तो ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है जो आपको बना सकता है मालामाल। बुध प्रवेश कर रहा है सिंह राशि में, जहां पर सूर्य भी है और दोनों मित्र ग्रह मिलकर आपको देंगे ऐसा योग कि आप कोई भी कार्य करेंगे तो मालामाल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको करनी होगी थोड़ी सी आराधना, मंत्रों का उच्चारण। कैसे जान रहे हैं हम, सुरेश कौशल जी से एक बार फिर से आपका स्वागत है। वास्तु दोष अगर हो तो उससे कैसे छुटकारा? वास्तु दोष का महत्व इसलिए है क्योंकि हिंदी की वर्णमाला के पूरे 52 अक्षर, अंग्रेजी के 26 अक्षर, किसी भी भाषा के जो वर्णमाला है और जो नंबर है 1 से 9 और 0, इनके प्रदाता ग्रह बुध है।
ज्योमेट्री के ग्रह होते हैं, इसलिए कोई भी नक्शा बनता है, डिजाइन बनता है, वो बुझे के समय सर्वश्रेष्ठ बनता है। वास्तु दोष उत्पन्न दूर करने के लिए ये उत्तम समय माना जाता है इस समय, क्योंकि समय सब कुछ बेस्ट आता है, उत्तम समय माना जाता है। घर दुकान व्यापारिक प्रतिष्ठान में आप स्वास्तिक लगाएं, गणेश के चिन्ह लगाएं, क्योंकि बुद्धि के ग्रह हैं, और श्री अंतर दक्षिणवर्ती शंख गणेश लक्ष्मी का पूजन करते रहें। बच्चों की पढ़ाई के कमरे में आप जो है सुधार कर सकते हैं वास्तु दोष के, अपने कार्य क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं, घर के मंदिर में सुधार कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा, जो आप करेंगे उसके फल अच्छे मिलेंगे। बच्चों के कमरे के लिए हल्के हरे और सफेद तथा मंदिर के लिए गुलाबी रंग का प्रयोग करें वास्तु दोष को दूर करने के लिए। इनके निवारण के लिए 29 तारीख और 30 तारीख 29 को सवेरे से ही विशेष करके दोनों दिन बढ़िया रहेंगे। बुधवार योग के समय गृह प्रवेश के लिए भी अच्छा समय रहता है, 17 तथा 24 सितंबर अत्यधिक उत्तम समय है गृह प्रवेश के लिए, इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, अब क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ भी ये ग्रह माना जाता है बुध, तो फिर शिक्षा से जुड़े लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं? बुध से जुड़े क्षेत्र हैं अर्थमेटिक, और जिसमें कह सकते हैं आप गणित है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, इंटीग्रल कैलकुलस इत्यादि, फिजिक्स यानी भौतिकी, एविएशन का पूरा क्षेत्र है यानी सिविल एविएशन से जुड़े इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिकल जो लैंग्वेज, स्टैटिस्टिकल जो स्टडीज है, भाषा कोई भी भाषा देशी विदेशी, और व्याकरण विशेष करके बुध आदित्य योग के समय में ज्वेलरी डिजाइन, वास्तु एवं आर्किटेक्ट के जो क्षेत्र हैं इनमें पढ़ाई के लिए शुभ प्रवेश मिल रहेगा, और यदि इसमें एग्जाम्स इत्यादि दे रहे उत्तम फलदायक रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। पढ़ाई को बढ़ाने के लिए, प्रवेश के लिए, समय का फायदा उठाने के लिए क्या करें? ओम वक्र तुंडाय हूं, ओम वक्र तुंडाय हूं, इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र का जाप 29 तारीख को सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त में या 12 से पौने के बीच में भी आराम कर सकते हैं। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप इसका पाठ करते रहें, और इसके उपरांत जब ये पाठ करेंगे तो साथ में बुध का भी मंत्र का जाप करें। गणेश के बिना कोई पूजन पूरा नहीं होता, इसलिए गणेश के उपरांत ओम बूम बुधाय नमः, ओम बूम बुधाय नमः, इसके तीन माला का जाप आप कर सकते हैं। मूंगे की माला हो, सॉरी पन्ने की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, या कमल गट्टे की माला हो। छोटे बच्चों के लिए जिनकी आपने शिक्षा आरंभ करवाई है उनके लिए माता पिता इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 1 अक्टूबर तक जाप करते रहें, जाप अनवरत करेंगे तो और अधिक लाभ रहेगा। जाप के उपरांत रोज जो है मोदक भगवान गणेश के लिए और तिल के लड्डू तथा मिश्री का प्रसाद जो है लक्ष्मी और गणेश को चढ़ाते रहे। कैसे ग्रह आपको करोड़पति बनाएंगे आने वाले दिनों में, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों मित्र ग्रह हैं और दोनों ही सिंह राशि में रहेंगे, तो योग अच्छा बन रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी सेहत भी अच्छी रहे, तो क्या करें उसके लिए? बुध ग्रह जो विशेषकर के आपके स्नायु तंत्र, आपके ENT पूरा जो है, और वोकल कॉर्ड, बोलने की जो क्षमता, वोकल कॉर्ड उससे जुड़ा हुआ है, पेट की आंतों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बच्चों के बोलने अथवा हकलाने की समस्या, जन्म समय में बुध कमजोर हो तो ये समस्या देखने में आती है। सुनने की शक्ति यानी श्रवण शक्ति कम होती है एज ज्यादा होने पर या बचपन में किसी कमी से, ये समस्या होने पर इनसे जुड़े उपाय किए जा सकते हैं, समय उनके लाभ मिलते हैं। इनसे जुड़े यंत्र लगवाए जा सकते हैं सुनने के लिए, हियरिंग एड्स लगते हैं समय में, और भी ENT से जुड़े काम इसमें हो सकते हैं। बच्चे जो है जिनकी IQ वीक है, जो अपने जो है होमवर्क नहीं करते हैं, किताबें फाड़ते हैं, बोलने से हकलाते हैं, और ग्रामर इसमें जो है व्याकरण में बहुत गलतियां करते हैं, ये सुधारने के लिए अत्यधिक शुभ समय। बुध से जुड़ी अन्य बीमारियां हैं, फेफड़ों की एलर्जीज हैं, सभी प्रकार के फेफड़े हैं, अस्थमा है, अस्थमा एक प्रकार की एलर्जी है, पुराने त्वचा रोग जो है उनसे मुक्ति हेतु अत्यधिक शुभ समय रहेगा। उपाय से सभी उचित लाभ मिलते हैं, उपाय करते हुए दवाइयां तथा चिकित्सक भी अत्यधिक शुभ परिणाम देते हैं, यानी जब आप उपाय कर रहे हैं समय अच्छा है तो दवाई भी काम करेगी और दुआ भी काम करेगी और दवा सब कुछ काम करेगा। 29 तारीख से हर बुधवार 1 अथवा 3 कन्याओं का पूजन करते रहें। इस पूजन में आप मिश्री, हलवा पूरी, हरी चोगियां और रिबन तथा चांदी की पाजायब या सफेद धातु का कोई गहना कन्या को दे सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं, श्रीं लक्ष्मी है, ह्रीं दुर्गा है, क्लीं काली है, इस मंत्र के जाप देवियों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। 5 माला का जाप 108 दिन तक करते रहे। बकरी को रविवार को और बुधवार को चारा डालें, हो सके तो अच्छा हरे रंग का चारा डालें, लाभ बढ़ते नजर आएंगे आपको इस समय। बिल्कुल, संतान के लिए क्या किया जा सकता है? काल पुरुष की कुंडली में सूर्य जो है संतान का प्रदाता है, बुधवार योग के समय सूर्य अपने आप सिंह राशि में, इसलिए संतान से जुड़ी कमियां, संतान की जो कमी है उसको दूर करने के लिए अत्यधिक शुभ समय रहेगा ये। आप क्या कई कारण होते हैं, पितृग्रह अथवा देवीय दोष,
या कोई भी और दोष है जिनसे संतान नहीं हो रही है, जो लोग संतान से वंचित है उसके लिए कृत्रिम गर्भाधान अथवा बच्चा गोद लेने के लिए या प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा भी, प्राकृतिक रूप से भी संतान उत्पत्ति का समय है ये। इस समय में जो बालक उत्पन्न होंगे या जो बालक माता के गर्भ में आएगा, सभी के लिए अत्यधिक शुभ होगा ये। अत्यधिक शुभ बालक का जन्म होगा, शुभ बालक सिद्ध होगा। जिनके बार बार गर्भपात होते हैं या बीमारियों से गर्भाधान की समस्या बनी रहती है, उसके लिए भी यह समय अत्यधिक शुभ रहेगा। ये सारी समस्याओं को दूर करने वाला समय है। विशेष करके 13 से 1 अक्टूबर के बीच में और अच्छा है शेष समय। संतान हेतु संतान गोपाल मंत्र का जाप, जिसे भगवान वासुदेव ने कृष्ण की उत्पत्ति के लिए किया था, ये जाप गुरुवार बुधवार शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में आरंभ कर सकते हैं आप। श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप आरंभ करें। जाप इस प्रकार है, मंत्र इस प्रकार है। ओम देव के सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनिम कृष्ण त्वमहम शरणम गतः। इस मंत्र को दोबारा बोल देते। ओम देव के सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनिम कृष्ण त्वमहम शरणम गतः। स्फटिक अथवा मोती की माला से इस जाप का आरंभ करें। 3 माला 108 दिन तक। यह समस्या गंभीर होने पर, लंबे समय से संतान का जन्म नहीं हुआ है, तो 11 माला 108 दिन तक, 108 दिन तक जाप करें। आप देखेंगे कि बच्चे के लिए रास्ते खुल गए, संतान प्राप्ति के योग बन रहे। जाप के उपरांत किसी शुक्रवार को भगवान कृष्ण को चांदी की बांसुरी तथा नीले और सफेद रंग के रेशम के वस्त्र चढ़ाएं, बाधाएं दूर होगी और संतान की प्राप्ति का भाग्य आपको देखने को मिलेगा। चलिए सुरेश जी, आप यहाँ पर आए चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में अभी इतना ही।